शेर के मारल का आसान बा, लेकिन पावन स्टार पवन सिंह के मारल नामुमकिन। ये दिल का मामला है, मतलब आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ। बिल्कुल का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं अपना समय दूंगा, म्यूजिक बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा, उसका फट से शूट होगा, फट से के अंदर अभिमान नहीं यही है। सबसे पहले अभिमान फिल्म के ट्रेलर जो लॉन्च हुए था हमारे कंपनी, ये कंपनी से सबसे इतना प्यार उदार मिल रहा है। बाइक पे सबसे खुशी की बात ये है कि आज मध्यम में परिवार इकट्ठा भी है, हम सबको आदेश के आशीर्वाद दे दिखा के इसको भी दे सकें क्यों। और ये फिल्म के बारे में जो आपने पूछा है, फिल्म हमारे पास कैसे आई, इस फिल्म के कैरेक्टर हैं हमारे चाचा चंद्रभूषण मणि जी और हमारे बड़े भाई राम शर्मा जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उनके भतीजे हैं हमारे बिहारी जी। ये दोनों जब हम बॉम्बे में ही शूट कर रहे थे तो ये प्रोजेक्ट लेके मेरे पास आए, और जैसा इन लोगों ने बताया कि राम शर्मा जी हैं, ये फिल्म का बिजनेस है बहुत बढ़िया सा, और वहाँ से आके ये हमको साइन किए, हमको समझे कि नहीं मेरा छोटा भाई है, और इनके फिल्म में हमको काम करने का मौका मिला। आपको दिल से थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये तालियां भी चाहिए सर, तो क्या बात है ना। और यही इस फिल्म में काम किए बहुत अच्छा, मेरे बड़े भाई के किरदार में है, और हम तो बात करेंगे, भैया भी बात करेंगे, और ये अंजना जी बात करेंगे, हम सब परिवार बात करेंगे। बिल्कुल अंजना मैम से तो सवाल है ही, मैम इस बार जिसके मैं आपके पास माइक देता हूँ, हमने देखा कि बात के बाद आप जो है तलवार चला रही है, चाहे वो कौनसर के साथ तलवार चला रही है, थोड़ा सा अगर आप कुछ हमें यादगार पल बताया जब वो सीन शूट हो रहा था, क्या चोटें लगी है, किस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री बनाई, मजा आ जाएगा। प्लीज आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारी टीम के लिए, यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राम शर्मा जी का, और ये फिल्म मैंने कैसे की क्योंकि उसका सारा क्रेडिट पवन जी का है। लेकिन पवन जी को मेरा ही डायलॉग है कि आपसे खेलोगे तो जल जाओगे। फिल्म के नाम मुझे उत्तर नाम जब बोली तो आप गा के जाए। लेकिन आपने जो सुनाया मुझे, तो मुझे भी डायलॉग याद आया इस फिल्म का कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है। सर की तरफ चलते हैं। सर ये बताएं कि दो तो अभिनेत्रियाँ आपकी फिल्म में हैं, एक से काम चलता नहीं या फिर ऐसे
बना कर हम भर जाएंगे। आपको मतलब ऐसे शक्ति आ जाती होगी। नहीं नहीं अरुण दुबे जी, देखिए आप अरुण दुबे आपका नाम है, आप जो मजे लेते हैं आप मजे ले के मजे लेते हैं, और कोई भी आर्टिस्ट जाके भी आपके अपना मजा दिखा नहीं सकता है, क्योंकि आप इतने अच्छे से मजा लेते हैं। नवल सर, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से इस फिल्म में एक्शन है कहीं ना कहीं साउथ फिल्म के लेवल को टक्कर दे रहे हैं। सही बात है, किसी के टक्कर क्या देना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी जो है अच्छा से काम करें और हमारे काम की प्रशंसा, बस मन में यही है और यही रहेगा। सर ऐसा नहीं लगता है कि ये फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, वो हमारी भोजपुरी की भी फिल्म नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए। कोशिश रही, हम सब कलाकार जो एक्टिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, और किस लेवल पे हमारी सिनेमा जाएगी इसमें हमारे साथ साथ हमारे प्रोड्यूसर भी हमारा सहयोग देंगे, तो शायद ये मामला थोड़ा और आसान हो जाए। पवन जी आप इन सांसद बन जाएंगे, ब्रेकिंग न्यूज डायरेक्टर साहब तो यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने देखा पूरे शहर में कपड़ों की इतनी ज्यादा बरसात हुई है, तो हर कोई एक दूसरे को, तो ये सिर्फ मजे के लिए था या वाकई में इसके पीछे कोई कहानी है? मैम अगर आप बताएं, आपने भी एक दो कपड़ खींचे हैं? नहीं, मैंने खींचे नहीं, मुझे पड़े हैं। सीन्स होते हैं कि आपको मानना होता है, जैसे ये देखिए हमारे फिल्म की कहानी होती है, और जैसी कहानी होती है डायरेक्टर हमारा जो सजाते हैं उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसा काम करें कि हमारे काम की प्रशंसा हो, और फिल्म में हीरोइन प्यार के लिए होती है, इमोशन के लिए होती है, एक लगाव के लिए होती है, थप्पड़ मारने के लिए होती है, तो थप्पड़ मारने का सीन होता है उसके लिए कैमरा का एंगल है ना, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता है कि लग गया लेकिन लगता नहीं, लगता नहीं, लगता नहीं। सर एक सवाल आपसे और है कि हमारा स्वाभिमान फिल्म का ही नाम है, पवन सिंह की नज़र में स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? लंदन से आके ये तो हमारे भाई साहब एक कोशिश किए हैं कि हमारे फिल्म की स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, हमारे कल्चर से मतलब जुड़न होके, हमारे बूढ़ हो गए जैसे चाचा पापा आजी बुआ ये सब के फिल्म में वो लगाव के काम के लिए बड़े कैसे सम्मान करके चाहिए, कैसे इज्जत करेगी चाहिए, बड़े सामने कैसे बैठने की चाहिए, बड़े के सामने कैसे खड़ा होने की चाहिए, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। सबका सम्मान सबका इज्जत। और मैंने पहले एक बात बोला था, हमारे चाचा जो हमारे गुरु जी हैं श्री अजीत सिंह जी, उन्होंने हमको बचपन में ही बताया था कि बेटा, क्योंकि हमारे चाचा को हमारे बाबा तभी इजाजत दिए गाना गाने के लिए कि बेटा किसी का प्रोग्राम अगर एक रुपए में फाइनल करना तो उसको कैंसिल करने के लिए दुनिया में दूसरा पैसा ना लगा, ताकि उस पैसे के लिए कम से एक रुपए घुसो, तभी हमारे चाचा को इजाजत मिला। और चाचा हमको जब शिक्षा देने लगे तो बोले बेटा इंसान के अंदर अभिमान नहीं बट स्वाभिमान, अंजना मैम आपसे ये सवाल जरूर होगा, यहाँ पर बहुत खुश हैं आप, देख पा रहे हैं आप लोगों को देखकर, आपकी जोड़ी को देख करके इतने लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन जब आप बहुत दिन बाद आप दोनों ने साथ में केमिस्ट्री बनाई है, स्क्रीन शेयर किया है, आपको जब अचानक पता चला कि पवन जी के साथ आपका काम करना है, क्या चल रहा था जहन में, और जब इनके साथ आप काम करती है कितना कम्फर्ट फील तो फील करती, क्या कैसे आप बयां करेंगे? बाबा
को ही करेंगे और देखिए आज इसका जो आउटपुट है वो आप सब लोगों के सामने है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सर ये खुलासा तो करना ही पड़ेगा, अंजना सिंह जी को आपने फोन किया है, ऐसा ऐसा क्यों, मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि इस कैरेक्टर में यही होनी चाहिए? हमारे बहुत सीधे हैं हमारे भैया, दिल का राजा है सर हम लोग। सर लेकिन क्या है, हमने के बचपन में वो बात सुन ले बनी जाए कि हसुआ हसुआ कितनों भोकर हो जाए तो अपने होने कहीं से। आदमी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, अगर अपन भाषा बोलने वाला क्यों मिल जाता, वो बच्चा होके बच्ची होके लड़का होके लड़की होके लड़का लेकिन तो हम बोलते ही नहीं, मैं भाई बहन बोलता हूँ, माता माता बहन बोलता हूँ। क्योंकि आज ये जो मैं बोल पा रहा हूँ ये हमारे जो भगवान स्वरूप जो ऑडियंस है उन्हीं का आशीर्वाद, नहीं तो हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। आज हम खड़े हैं तो हमारी ये ऑडियंस का देन है। तो कहीं भी आदमी रहेगा आपन भाषा बोले वाला क्यों नहीं ज़्यादा, जैसे मान लो कहीं खड़ा बनी हम खाली अंग्रेजी चला तो हिंदी नहीं कर सुनाएंगे। पता करता है कि भाई इन्होंने क्या बात को आदमी ये बोल देता है यार, नहीं तो सॉरी नॉट ओके। लेकिन अब वही में से कौन आवाज आ गई, जी नमस्ते कैसे मानी, चाहे हाय भैया कैसे है, लगता है यार ये अपने लगता है। तो ये खुशी की बात है ये होके चाहिए कि हमने के जो भाषा के बारे में हमने के मिल के काम करी जाए, ठीक है। जैसे अपन को क्या हो रहा हो अपने भाषा में अपन मिल के हमार माटी प्रोग्रेस करे, हमार माटी आगे बढ़े और हमने हिंदुस्तान के जय जय हो। आखिरी में अब प्रोड्यूसर साहब के पास चलते हैं इस वजह से क्योंकि इन्होंने हम सभी को आज यहाँ जिताया है। बिग बॉस में कब दिखेंगे आप? अच्छा सवाल था, आप लोगों की इच्छा बता क्या है? बिल्कुल सर, बहुत बहुत थैंक्यू सर। अरे भाई फिर भाई हमको सलाह देते हैं कि भैया मत जाइएगा मत जाइएगा। सर आप बॉस हैं, ऐसा नहीं है कि बोल जी को ऑफर नहीं आया, जी जी बहुत साल पहले से ऑफर आता है आ रहा है, लेकिन कुछ भाइयों ने बोला कि भैया क्यों जाएंगे काहे ना जाएंगे, लेकिन देखा जाएगा समय बताएगा। भैया का तो दिल करेगा वही करेंगे। आप चुकी मीडिया को मिले हम जाए चाहे ना जाए, मेरे भाई भी बहुत से कम है क्या? नहीं ऐसा नहीं है भैया, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है, उसमें जाना सौभाग्य की बात है। लेकिन एक बात बता दूं कि हम जाए गई बानी चाहे नहीं थी गई, हमने मीटिंग भी किया है ऐसा नहीं है, लेकिन आगे कभी बैठे नहीं जमात के लिए। लेकिन आपके भाई का गाना तो बनता है ना वहाँ? बिल्कुल सर, मैं जाकर भी वहाँ चला गया हूँ और मुझे लगता है कि वर्ल्ड में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ मेरा वो गाना आज 15 साल से बज रहा है और वो गाने का जो कद है वो आप लोगों की कृपा से और बढ़ते जा रहा है, इसीलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सबकी दुआएं आपके साथ हैं। अनुमान को पूरा सभी को बहुत वाकई में जैसे जैसे मिला रहे हैं, क्या प्लान हो चुका है क्या? तब तक हम लॉलीपॉप 2 का प्लानिंग 3 महीना पहले से ही हो गया है, मैं ही समय नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे मैं अपना समय दूंगा म्यूजिक बैठूंगा, म्यूजिक फाइनल होगा, उसका फट से शूट होगा, फट से ये बताइए कि क्या वाकई में ये सच है कि सभी योनी इस गाने में है और 2 बार दे चुकी है पर आपके पास टाइम नहीं आया, वाकई में सभी ऐसा नहीं है? हमसे इतना मत बोलवाओ कि मत बोलवाओ, हम तो हम बोली जाए आप हैं सबसे इस बार में मिलते हैं। कौन सर एक सवाल मेरा है सर, एक सवाल जवाब दीजिए।
जेबी लॉलीपॉप टू में मतलब हमारे गाना में हम सुमत और के छोमी वो एक बड़ा ही नाम होगा आप लोगों के आशीर्वाद से। क्या बात है सर। सर भोजपुरी की बॉलीवुड आपका दीवाना है सर। भोजपुरी की बात चल रही है, समाजवाद का बहुत बड़ा अंत हुआ है सर, मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज चाहूंगा जो हमारे धर्म भाई आप जरा पूर्ण मिनट के लिए, क्योंकि ऐसा नेता सबके चेहरे का बार बार सड़कों पे नहीं आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए हम लोग उनके लिए समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब के निधन पर आज हम सब 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और शुरू होता है। प्लीज इस बात को जरा ध्यान से सुना जाए और सब लोग शांति बना के 2 मिनट। ओम शांति, ओम शांति। ईश्वर की आत्मा को शांति। तो मुझे लगता है कि दोस्तों मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब यहाँ पर समाप्त किया। हाँ अरे सर फिल्म खरीदने इतना रुपया देकर के रुपये।